हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है, कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है आपसे, हाउ मच दे मिस यू। तो क्या है उनकी एनर्जी, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि कोई आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, हाउ मच दे मिस यू। तो पहला ही कार्ड है चैरियट का, यानी कि कैंसर या तो आपका साइन हो सकता है या इस पर्सन का। उनका एक मन तो आपकी तरफ दौड़ा चला आता है, फिर दूसरा मन, जैसे यहाँ पे 2 कलर के हॉर्सेस हैं, एक ब्लैक है तो एक वाइट है। तो ऐसे ही जब उनका मन आपकी तरफ खींचा चला जाता है, वो भाग रहा होता है, तब दूसरा मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूठ जाता है। यानी कि उन्हें लगता है कि आप सामने से उन्हें मिलने के बारे में पूछे या फिर आप उनको याद कर रहे हैं, ऐसा आप अपनी जुबान से उनसे कुछ कहे। लेकिन ये जो पर्सन है वो शायद अपने माइंड के ऊपर या फिर अपने हार्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये दिल की बातें हैं। दिमाग कई बार कुछ और बातों में उलझा रहता है, जैसे काम से रिलेटेड बातें, प्रैक्टिकल बातें, लेकिन दिल की बातें ऐसे नहीं होती। दिल ने अगर ठान लिया है कि उस दिल में और किसी के लिए जगह नहीं है सिवाय आपके, तो वो दिल तैयार नहीं होगा। और शायद इसी वजह से ये पर्सन शायद अपने आप को बिजी रखने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे हवा का रुख हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे इसने जो शॉल जैसा पहना है वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है, ये पर्सन चाहे तो इसको बांध सकता है लेकिन उससे हवा कंट्रोल नहीं होगी। वैसे ही हो रहा है, इनका मन आपकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। नेक्स्ट है 6 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्लैग है, यहाँ पे भी फ्लैग है, तो शायद ये पर्सन का दिल ऑलरेडी आपके सामने सरेंडर कर चुका है। यानी कि ये पर्सन भले ही इस घोड़े को किसी और दिशा में ले जाना चाहते हैं दिमाग की सुन के, लेकिन ये घोड़ा जो है वो उनकी सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उसने ठान लिया है कि उसको यहीं पे रुकना है। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं उस घोड़े की बात सुन के अपने आप को या तो इस जगह से उतरना पड़ेगा इसको, या फिर उस घोड़े की बात मान के उसका सफ़र यहीं तक है ये मानना पड़ेगा। तो ऐसे ही शायद आपके पर्सन अपने ज़िंदगी का आगे का सफ़र कंटिन्यू तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो उन्हें शायद आगे बढ़ने नहीं दे रहा। जैसे यहाँ पे ये पर्सन घोड़े पे सवार है, वैसे ही आपके पर्सन के दिल के जो जज्बात हैं वो ये पर्सन खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे यहाँ पे वैंड्स रिप्रेजेंट करते एक्शन को, तो उनका दिल जब भी आपके बारे में सोचता है वो यही चाहता है कि अगर एक्शन ही लेनी है, ज़िंदगी में आगे ही बढ़ना है, तो इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ो, नहीं तो मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ऐसा शायद उन्होंने हो सकता है अपने आप को डाइवर्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन ये जो उनके दिल की जो लगाम है वो उनके हाथ में नहीं है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी आप देख सकते कितने सारे घोड़े आ गए हैं। इसमें भी घोड़ा है, इसमें 2 घोड़े हैं, इसमें भी घोड़ा है। तो नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में यही है कि फायर साइन ही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये घोड़ा ऑलमोस्ट बेकाबू जैसा है, और ये पर्सन अब परेशान होकर सोच रहा है कि अब ये ना तो इस घोड़े से उतर सकता है और ना ही इस घोड़े को कंट्रोल कर सकता है, तो भाई करे तो क्या करे। तो ऐसी हालत इसकी हो गई है, यानी कि उसको अब शायद समझ में आ रहा है कि
ये घोड़ा जिस तरफ भी आगे दौड़ा चला जाएगा उसको उसी दिशा में जाना पड़ेगा। अगर ये नहीं उसने सवारी कबूल की तो ये पर्सन खुद को नीचे गिरा के चोट भी उनको लग सकती है, यानी कि उनके लिए ये रिस्क फैक्टर होगा कि अपने दिल की ना सुन के कुछ अलग फैसला ले। तो शायद इसी उलझन में वो फंसे हुए हैं, यानी कि उन्हें पता है ये दिल इतना क्यों बेचैन है, ये बात क्यों नहीं सुन रहा, वो जानते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है इनके हार्ट चक्र को, तो जैसे इस पर्सन ने पेंटेकल को अपने दिल के बहुत करीब पकड़ के रखा है, वैसे ही शायद ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, या फिर थोड़े से करियर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, या फिर थोड़ा सा पैसों को लेके भी इनसिक्योर फील करते होंगे, जिसकी वजह से इन सब बातों के बारे में वो सबसे ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन कितना भी पेंटेकल अपने दिल के करीब क्यों ना पकड़ के रखा हो, ये ग्रीन कलर का जो ड्रेस है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि उनके हार्ट चक्र में जिसका मैजिक चलता है वो है आप। जैसे यहाँ पे ये पर्सन किसी को भी लगेगा कि शांति से बैठा हुआ है, लेकिन इसके दो दिमाग में इन बातों को लेके कितनी सारी उलझन है ये तो सिर्फ वही जाने, और कोई नहीं बता सकता। नेक्स्ट है द लवर्स। तो ये पर्सन आपको अपना लवर तो काउंट करते ही है, लेकिन हो सकता है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे भी मैंने कहा कि ज़िंदगी में वो खुद को आगे बढ़ने के लिए शायद प्रिपेयर कर रहे, लेकिन उनका दिल तैयार नहीं हो रहा। तो हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई एंटर कर रहा है, या फिर उसको इस पर्सन को ही लग रहा है कि आपसे मन डाइवर्ट करने के लिए वो किसी और के लिए अपनी फीलिंग्स के, मतलब इतना सीरियस नहीं लेकिन थोड़ा फ्लर्टेशियस होके कुछ ऐसी जस्ट टाइम पास जैसा कुछ बिहेव करे ताकि उसका मन बहल जाए, लेकिन वो भी उससे नहीं हो पा रहा। तो ये पर्सन समझ चुके हैं कि कितना भी चाहे वो ट्राई करे ये दिल अब उनके बस की बात नहीं है। नेक्स्ट है द लव। प्यार जब भी किसी को भी हो जाता है ये किताबों से पढ़ने वाली या समझ में आने वाली बात नहीं होती, जिसको प्यार हो जाता है वही खुद समझ पाता है कि प्यार असल में होता क्या है, और यही हालत हो गई है इस पर्सन की। मतलब शायद उन्होंने इतना नहीं सोचा था कि इस कदर प्यार में उन्हें शायद तकलीफ होगी, या फिर वो इस कदर आपको मिस करेंगे, लेकिन जब अब ये एहसास उनके दिल को हो रहा है और वो एहसास उन्हें सता रहा है, तो ये प्यार की असली परीक्षा दे रहे हैं राइट नाउ अकेलेपन में। मेमोरीज, तो आपके साथ बिताया हुए पल, वो प्यार भरे लम्हे, वो सब बातें, वो सब मेमोरीज इन्हें बार बार याद आ रही है, जिसकी वजह से ये जो पानी है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आपके बारे में सोचते सोचते। रीडिंग, तो हो सकता है ये पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, कि अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए कुछ सेल्फ हेल्प की बुक वगैरह भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उस रीडिंग के दरमियान भी उनका जो माइंड है वो उन्हें यही बता रहा है कि वही करो ज़िंदगी में जो सही है, और आपकी तरफ ना बढ़ना ये गलत है। ऐसा तो मतलब उन्हें शायद माइंड से लगता है, लेकिन उनका दिल जो है वो इन बुक्स में नहीं लगता, उसका शायद कुछ और ही चलता रहता है। नेक्स्ट है सरप्राइज। तो शायद ये पर्सन कई बार आपको कुछ सरप्राइज देके मिलने के बारे में भी सोचते हैं, या फिर आपने अगर पास्ट में इन्हें किसी बात को लेके कुछ सरप्राइज दिया था, या कोई भी सरप्राइज गिफ्ट, कोई भी तोहफा या फिर ऐसा कुछ दिया था, तो उस गिफ्ट को, उस लम्हे को याद करके वो आज भी आपको मिस करते हैं। लक, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि राइट नाउ लैक ऑफ लक चल रहा है उनके लाइफ में, यानी कि वो जो भी कर रहे हैं उसका उल्टा ही उन्हें मिल रहा है, जैसे उन्हें लग रहा है कि लक तो उनके साइड में बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब बातें उन्हें लगता है क्यों हो रही हैं, क्योंकि शायद आप उनकी लाइफ में नहीं हैं। नेक्स्ट है डिफरेंसेस। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हुई है, या फिर आपका दुनिया को देखने का नज़रिया अलग हो सकता है और इस पर्सन का अलग, तो कुछ डिफरेंसेस जो आप दोनों के बीच में हैं उन बातों के बारे में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते कि ये डिफरेंसेस क्यों हैं, आप आखिर ऐसा क्यों सोचती हैं या क्यों सोचते हैं। कॉफ़ी, कई बार उन्हें लगता है कि आपको कॉफ़ी के लिए पूछे, यानी कि मिलना तो चाहते हैं वो, लेकिन क्या बहाना बनाएं, क्या कह के बुलाए, इस बारे में जब वो सोचते तो उन्हें लगता है शायद कॉफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब जस्ट फ्यू मोमेंट्स कॉफ़ी भी पी लेंगे और कुछ बातें शेयर भी हो जाएंगी। लॉन्ग ड्राइव, अगर आप दोनों ऑलरेडी पहले कभी लॉन्ग ड्राइव पे जा चुके हैं, तो तब से लेके आज तक जब भी ये पर्सन किसी भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। लॉन्ग पे,
उन्हें जिंदगी का जो रास्ता है वो ऐसे शायद बहुत लंबा लगता है और उन्हें लगता है कि जैसे इस रास्ते पे उनके साथ चलने के लिए और कोई भी नहीं है, ये पर्सन सिर्फ अकेले है और पता नहीं ये रास्ता कहाँ पे जाके ख़त्म होने वाला है। यानी कि आपके बगैर उनका जो ये ज़िंदगी का सफ़र है वो उन्हें बहुत अकेलापन महसूस कराता है। म्यूज़िक, हो सकता है आप दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग हो, वो सॉन्ग ये सुनते रहते हैं, या फिर जब भी वो फ्री टाइम में या फिर सैड होने पे कोई म्यूजिक सुनते हैं तो वो म्यूजिक उन्हें आपकी याद जरूर दिलाता है। तो ये था रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।